आज आपने एक औरत की इज्जत भरे समाज के सामने उछाली, क्या लगता है आपको आज जो हुआ पवनिया चुप बैठेंगे? बहुत बड़ा तूफान आने वाला वो आपका बनो की यहाँ तो कोई मत बचा ही नहीं है, मुझसे बदला लेगी वो किससे? आ गई खानदान का नाम मिट्टी पलीत करके। चल कोई गल नहीं, अपने देवर के पास ही आई है। तुझे छुड़ाने आई हूँ, साथ देना पड़ेगा तुझे मेरा, और जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा। बता था तो ऐसी हरकत जरूर करेगा। पापा जी मुझे एक बार जाके सिमरन से मिलने दो, आपने जैसे कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, लेकिन पापा जी प्लीज मुझे उससे एक बार जाके मिलने दो, वो बहुत परेशान होगी। मैं वादा करता हूँ उसके बाद मैं कभी उससे नहीं मिलूंगा, जैसे आप कहोगे मैं वैसे जो करना था कर। वो पहली बार मर्दों वाला काम किया तो हो गए याशी, अब तेरा घर बसने वाला है, चुपचाप अंदर जा और शादी की तैयारियां कर, समझा? पापा मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज मेरे को जाने दो। पापा वो बहुत उदास होगी, वो कुछ भी कर सकती, पापा प्लीज मेरे को उससे मिलने दो एक बार, बस मैं उसके बाद कभी नहीं मिलूंगा, प्लीज पापा जी। मैं 2 दिन में तेरी शादी है, 2 दिन में, कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। ये शादी 5वां खानदान की इज्जत है, कान खोल कर सुन ले, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। वीर जी आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं जाकर मनु से बात करूंगा, उसे बताऊंगा कि आपकी क्या मजबूरी थी, सब ठीक हो जाएगा, आप रो मत। मुझे कैसे भी करके रणवीर जी से मिलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो बहुत पहर है, क्या करूं? राज, राज, ये सब क्या था राज? उसको पता है मेरी मम्मी की और मेरी बहनों की क्या हालत हो गई है? मैं भी ये बात बताने आने वाला था यार, पर इस सब के पीछे हमारी मजबूरी थी। मजबूरी? हाँ, पापा जी ने ऊपर बंदूक के साथ एक आदमी को भी बैठा दिया था जो सिम्मी दीदी पे बंदूक ताने था। रमनवीर जी भी क्या करते, या तो सिम्मी दीदी की इज्जत बचाते या तो सिम्मी दीदी की जान। हाँ, पापा जी ने 2 दिन में शादी तय कर दी है और पैरा भी लगा दिया है,
मैं कैसे निकलूं? सिर्फ मुझे ही पता है। कुछ तो करना होगा। पहले मुझे घर जाके सबको बताना पड़ेगा कि रमन विजय धोखेबाज नहीं है और असल बात क्या थी वो बताना पड़ेगा। सब लोग बहुत गुस्से में। चुपके से जाना, जा जल्दी जा। हिम्मत कैसे हुई? हमारे पवनियों का नाम मिट्टी में मिलाने चला था, अब तू देख परजाई, उस हरजीत की गर्दन काट के रख दूंगा तेरे नीचे। इतनी जल्दी मार देगा? तू वहां था नहीं जगन, बड़ी बेइज्जती की है, धज्जियां उड़ा दी हमारे परिवार की। इतनी आसानी से मौत तो नहीं मिलेगी उसे। अगर उसे मौत दे दी ना तो मुक्ति मिल जाएगी, और मुक्ति नहीं देनी उसे, तड़पाना है बहुत। परजाई, ओए पहले कभी बुलाता बाजवाओं के खिलाफ ऐसा? सौ रब दी और जान लुटा देता तेरे लिए, उन बाजवाओं की खून की नदियां बहा देता, नामो निशान में डर देता सालों का। तो अब लुटा दे जान, जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब होगा। बात तो तू सही कर रही है, और लेकिन सोचा क्या है? अम्बा जी, सरपंच जी, जो कुछ भी हुआ अम्बा जी, इस बात का मुझे बहुत दुख है। और सरपंच जी, अपना दुख अपने पास रखो। मैं वाजवा और पवनियों की तरफ से नहीं, बल्कि इस पिंड के लिए आया हूं। अम्बा जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ इस पिंड को छोड़ दें। अब इतनी इज्जत उछलने के बाद भलाई इसी में है अंबाजी कि आप अपनी बेटियों को लेकर कहीं और बस जाइए? ऐसी बेइज्जती के साथ इस पिंड में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरपंच, क्या बकवास कर रहा है, सोच समझ के बोल। देखिए, जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन आप लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है कि एक बार फिर बाजवा और पवनियों के बीच लड़ाई छिड़ जाएगी, जो पिंड के लिए घातक है, और मैं ये खून खराबा नहीं चाहता हूं। वैसे अंबज, आपकी और आपकी बेटी की इज्जत इस गांव में बहुत उछाली जा चुकी है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इस गांव को छोड़कर चली जाएं। सरपंच जी, साला गलती उन लोगों ने किया, और जा जाके बाजवा को निकाल ले। जैसी आपकी मर्जी है, हम सब पिंड छोड़कर चले जाएंगे। परजाई जी, धन्यवाद।
सिम्मी के बिना नहीं रह सकता। एक ही तो चीज है वो जो रब ने सिर्फ मेरे लिए बनाई। तुम वापस तो आओगे ना? साहिब अकेले कौन मेरे साथ लौट कर नहीं आएगा? मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया था समर, शादी नहीं हो सकती। पूरी महफिल सजाई तुम्हारे लिए, नाचोगी नहीं क्या? तो यह बच्चा भी तुम्हारा नहीं है क्या? किसी और का भी तो हो सकता है।
जितना मर्जी मार लो, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। नहीं दीदी, नहीं। मैंने सबका दिल दुखाया, मम्मी को भी। पहले तो मुझे इसी लायक हूँ मैं। छोड़ मुझे, दीदी। छोड़ मुझे, छोड़। नहीं दीदी, छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा। दीदी हम पहले ही सबको खो चुके हैं। पापा जी को, बीजी को, भीरू मामा को, जय को, सबको। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार बिखर जाए। चाहे जो हो जाए, प्यार वो होता है जो मैं आपसे करता हूँ। आप ऐसा करते हो उसको बुरा लगता है। मैं आपको ऐसे हाथ में नहीं देख सकता। तकलीफ होती है मुझको। प्यार वो होता है जो मम्मी हमसे करती है। हमसे गलती होती है, हमको मारती है, हमको डांटती है, लेकिन हमको अपना बच्चा मानती है वो दीदी। हमसे प्यार करती है, वो ऐसा मत करो। आप उनको बहुत दुख पहुँचाओगी दीदी। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। चलो दीदी, घर चलो। वो क्या देख रहा है चाला? सामान उठा। जगन, ये बक्सा रखवा दे, जरूरी कागजात हैं। ये मेरा फैसला है। हम सब यहां से जा रहे हैं। तुझे अगर एतराज है तो तू रुक सकता है यहाँ पर अकेला। पर मम्मी, पूरे पिंड में नाक कटवा दी, अभी तक तुम दोनों का पेट नहीं भरा। और क्या चाहते हो? और कितनी जिल्लत सहवाओगे अपनी माँ को? मम्मी नहीं, दीदी को ऐसा कुछ मत बोलिए। हाँ सही बात है, तेरी सिमरन दीदी को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गलती मेरी है जो मैंने इसे स्कूल भेजा पढ़ने के लिए। ये सब करके आएगी नहीं पता था। खून नहीं खौला तेरा? जब तेरी माँ और तेरी बहन की बेइज्जती की उन लोगों ने। लेकिन नहीं, तुझे तो यहाँ रहना है, उस बाजवा के लौंडे से मिलना है। जगन, शाम होने से पहले हमें शहर पहुंच जाना चाहिए। निकलते हैं। चलो सबके सब बैठो गाड़ी में। आ गाड़ी में बैठ जा। मम्मी प्लीज एक बार, प्लीज एक बार इस घर को देख लो। यहाँ पे पापा जी की यादें बसती हैं। हाँ, कुछ नहीं बचा।
तेरे पापा जी और बीजी ने इज्जत की नींव पे ये घर बसाया था। शर्म हया संस्कार बसते थे यहाँ पर, लेकिन अब कुछ नहीं बचा क्योंकि तेरी बहन ने यहाँ पर सिर्फ लानत छोड़ी है। अब कुछ नहीं बचा इस घर में। उस बाजवाओं ने हमारी इज्जत को मट्टी पलीत कर दिया, रस्ते पे ला दिया, लेकिन उन बाजवाओं की गलती नहीं है, गलती मेरी है जो अपनी बेटी पर काबू नहीं कर सकी और उसको उसको डरा के नहीं रखा। घर में घुसा के नहीं रखा, चूल्हा चौका नहीं कराया तो उसका ये नतीजा निकाला। हम लोगों को यहां से चले जाना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। बाबा जी, अब मैं मम्मी को कैसे समझाऊं कि रमन पिछले जो भी किया वो उनकी मजबूरी थी, पर मैं ये सब कुछ ठीक करके ही रहूंगा और इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा।